वाले हैं, जिलाधिकारी महोदय पर पत्र लेखन कैसे लिखेंगे। जैसे दोस्तों आपको प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय के बारे में यदि पत्र लिखना हो, कोई उन्हें अगर पत्र देना हो, किसी चीज़ के शिकायत के बारे में लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग किसके बारे में पत्र लिखेंगे, किस चीज़ के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पत्र लेखन भी क्वेश्चन के जरिए दिया गया है, और दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में UPSC जैसे एग्जामों में भी पत्र लेखन संबंधित क्वेश्चन आते हैं। लगभग ये हर चीज़ों हर स्थानों पर पत्र लेखन से संबंधित हम लोग शिकायतें देखने के लिए मिलते रहते हैं, लिख कर देने रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए जिलाधिकारी महोदय को अल्पवृष्टि के कारण जनपद के किसानों की समस्याओं का संकेत करते हुए उसके समाधान हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखना है जरा इसका फंडामेंटल हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखना होता है सेवा में। अब सेवा में का मतलब क्या है, जब आपको किसी से सेवा लेना रहता है, कुछ मदद लेना रहता है, कुछ बताना रहता है, सबसे पहले आप सेवा में लिखते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों किस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, किस अधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो उनके थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ दिया जाता है। जैसे जिलाधिकारी हैं तो जिलाधिकारी प्रयागराज, या फिर आप यहाँ अगर SDM हैं तो आप लिख सकते हैं उप जिलाधिकारी, और दोस्तों CDO हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो उनके लिए आप लिख सकते हैं मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज। ठीक, इतना लिखने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सम्मानजनक शब्द प्रयोग करना है, जैसे महोदय जी या महोदया जी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना सिंपल वे में इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लिखा है। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखता है कैसे आपको लिखना है, जिलाधिकारी महोदय कैसे आपको पत्र ज्ञापन सौंपना है। महोदय जी, मैं आपका ध्यान अपने जनपद के किसानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सही बात। अब दोस्तों ये देखिए एक कितना अच्छा ये शब्द है इसमें लिखा गया है, मैं आपका ध्यान अपने जनपद के किसानों को आकर्षित करना चाहता हूँ। इस वर्ष अल्पवृष्टि के कारण फसलें सूख गई हैं और जानवर चारे के अभाव के कारण दम तोड़ रहे हैं। दोस्तों यदि अल्पवृष्टि वगैरह हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर फसल होगा ही नहीं, चारा रहेगा ही नहीं, तो जानवरों की दिक्कत होगी ही। फिर लिखता है संपूर्ण ग्रामीण जनता भूखमरी के कगार पर पहुंच गई है। तो दोस्तों ये सब फंडामेंटल आपको पूरा मैटर देना होता है, मैटर बनाना होता है। आप और भी यहाँ पे जोड़ कर लिख सकते हैं क्यों ऐसा हुई, क्या आपको मदद चाहिए जिला अधिकारी से, क्या सरकार से मदद चाहिए। ठीक, तो ये सब आपको लिखना रहता है। तो हालांकि हमने आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा फंडामेंटल के रूप में समझाने की कोशिश किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा और कुछ पॉइंट देना चाहते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि लगान की वसूली को रोककर किसान की समस्या का ध्यान दें। दोस्तों पुराने जमाने में एक सिस्टम था, पहले आज से लगभग 20 साल पहले 10 साल पहले दोस्तों जो खेत होता था उसके लगान सरकार वसूलती थी। अब तो ये सब सिस्टम बंद हो गया है, तो यही इसमें कहा जा रहा है लगान की वसूली बंद कर दे सरकार और रोक कर यानी किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जिस दिन देना होता है वो तारीख भौदी में, जैसे आपका क्या नाम है, आपका पता कहाँ पर है, तो ये सब दोस्तों लिखना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी जिलाधिकारी महोदय को आपको पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग सीख पाए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेकर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।